हम चाहते हैं किसी भी सूरत से जटिल समस्या का समाधान निकल आए, समाधान किसी भी सूरत से निकल आए, मगर समाधान उस वक्त निकलेगा जब गिव एंड टेक वाला हो, कुछ हम झुकें कुछ हो झुकें। अगर हम अपनी जगह अड़े में कि हमारे पास रहे आपने कहा कि आप पर, तो समाधान कैसे निकलेगा? पहले दिलों में नरमी थोड़ी आना चाहिए। बाकी हमारा जो मिशन है, हो सकता है बहुत से मुसलमान हमसे, तो ये नरमी कैसे आए, ये नरमी कैसे आए? ये नरमी उस वक्त आएगी कि जब लोग पहले अपना मनुष्य होना याद रखें, धर्म को पीछे रखें, मनुष्य होना आगे रखें। अदालत का जो मामला है, कोर्ट में तो चल ही रहा है ये मामला, मगर अदालत जो है वो पहले से कह रही है कि आप लोग पहले, अब तो फिर हमको इससे कोई दिलचस्पी नहीं। हम देखिए मुसलमानों से एक ऐसी बात करना चाहते हैं जिस पर मुसलमान हमसे खफा होंगे, और जो पढ़े लिखे हिंदू हैं, पढ़े लिखे हिंदू हमारे साथ हैं, सिकुलर हिंदू हमारे साथ हैं, हम जानते हैं बड़े बड़े हिंदू हमारे साथ हैं। हमारा जो मैसेज है वो ये है, पूरी बात समझ लीजिए, उल्टा सीधा ना लिखिएगा। जो लोग मंदिर बना रहे हैं उनको मंदिर बनाने दीजिए, आप मंदिर के जवाब में मस्जिद ना बनाइए, आप मंदिर के जवाब में देश को बनाइए। कोई मंदिर बना रहा है, मुल्ला मस्जिद बना रहे हैं, और हिंदू हमको से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये जी एक बात बेटा, नहीं बेटा बात सुन लो, हमको इससे को, लेकिन हम उनकी जो वो हैं और वो, अरे हम भूल जाते हैं, नहीं आस्था नहीं, अरे भाई इमोशंस, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसे कदर करते हैं, लेकिन हमारे लिए किसी भी मुल्क में मस्जिद मंदिर कोई मसला नहीं है। असल मसला है कि देश को बनाइए, आप देश को बनाइए, हम आपके साथ हैं, आप मस्जिद बनाते बना लीजिए। अब एक बात हम आपसे बताना चाहते हैं, दुनिया की जो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं वो वलियों ने नहीं बनाई हैं बेटा, सूफियों ने नहीं बनाई हैं, संतों ने नहीं बनाई हैं, डिक्टेटर्स ने बनाई हैं। क्यों बनाई डिक्टेटर्स ने? अपने क्राइम को छिपाने के लिए। धर्म जो आया है वो मस्जिदों को शानदार देखना नहीं चाहता, वो इंसानों को शानदार देखना चाहता। तो यहाँ के इंसान हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चन हो, वो जगमगाने लगे, वो चमकने लगे, हमारा यही टारगेट है।